हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। और आज मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, 2 बजने वाला है, 2 बजे से शूट कर रहा हूँ ये व्लॉग। और मैं आया हूँ अपने खेतों की तरफ पानी देने के लिए खेतों में। और दोस्तों, धूप ही बहुत तेज़ है और जहाँ से पानी हम लेते हैं वो ये है नहर, यहाँ से नीचे से पानी लेते हैं। और बगल में ये मुर्गी फार्म हाउस, वो पोल्ट्री फार्म हाउस है, ये किसी और का है लेकिन मेरे खेत के बगल में ही है। दोस्तों ये मेरा बड़ा भाई है, यहाँ पे ये पानी निकालने का जुगाड़ बना रहा है नहर से। और पानी इस तरह से इधर से जाता है तो यहाँ पे आता है, यहाँ से फिर सीधा खेतों में जाएगा। दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, पता नहीं चल रहा है, इतना धूप ही इतना ही दिख नहीं रहा है। यहाँ से ऐसे खेतों में जाएगा, इधर से ले गए ये नहर है, नहर से आता है सीधा पानी इधर, यहाँ से जाता है और ये खेतों में, और ये दूसरे वाले खेत में जाता है। और दोस्तों हम मनुष्य के, हम इंसानों के, मनुष्य भी बोल लेते हैं, इंसानों के सभी तरह के नाम होते हैं, वैसे आम का भी नाम होता है। ये आम का नाम है केसर। और यहाँ 4-5 प्रकार के आम की क्वालिटी है। और दोस्तों ये दूसरा क्वालिटी का आम है, इसका नाम है दशहरी। दशहरी खाने में बहुत मीठा लगता है, पक जाता है तो ऐसे कच्चे में तो बहुत खट्टा है, लेकिन खाने में इतना टेस्ट है कि मध से ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत सुंदर छोटा सा पेड़ है लेकिन बहुत आम आया है, यहाँ भी है और इधर भी है। ये भी दशहरी है, सामने दिख रहा है दशहरी आम है, बहुत अच्छा है। इस बार की क्वालिटी, आम की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, छोटा पेड़ है लेकिन बड़े बड़े आम है, अच्छा लग रहा है। तरह प्रकार की वैरायटी के आम है, ये है इसका नाम है लंगड़ा आम, हमारे यहाँ गुजरात में इसको लंगड़ा आम बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। ये भी खाने में बहुत टेस्टी होता है, पक जाता है तो, और बहुत मीठा है। बाकी सब केसर आम है, इधर सारे केसर आम फला हुआ है, सब बहुत सारा इस बार आया हुआ है, छोटे छोटे पेड़ हैं लेकिन बहुत सारा आम आया हुआ है, अच्छा दिखता है आम देखने में भी, और दिल गार्डन गार्डन हो जाता है देख के भी कि आम इस साल अच्छा बैठा है, आमदनी भी अच्छी आएगी। इतना मेहनत भी होता है, बहुत सारा मेहनत भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि ये आ जाएगा। ये 7-8 साल हुआ है, इस इतने छोटे छोटे पेड़ है, 7-8 साल के पेड़ है ये, फिर इतना आता है। उसको बारिश के मौसम में गोबर का खत देना पड़ता है, फिर यूरिया ये सब देना पड़ता है, तब जाके इसका जो फल आता है वो थोड़ा अच्छा आता है और बड़ा भी आता है। और गर्मी के मौसम में हर समय उसको पानी देना पड़ता है, उसका फ्लावरिंग हो जाता है, उसके बाद में पानी देना रहता पड़ता है, तब जाके ये आम बैठता है। उसका कलर चेंज हो गया है, अभी 15-20 दिन में पकने के लिए तैयार हो जाएगा और मार्केट में भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे 15-20 दिन में। बहुत सारा आम है, ये भी लंगड़ा है आम है, लेकिन गिर भी बहुत जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं जैसे गर्मी की वजह से, नीचे बहुत गिर जाते हैं आम। यहाँ पे भी बहुत सारे आम है लेकिन छोटे छोटे है, जैसे फ्लावरिंग ज़्यादा होता है यानी कि ज़्यादा आम बैठ जाते हैं, वो छोटे छोटे फल उसका थोड़ा साइज में छोटा हो जाता है। ये दशहरी आम है लेकिन बहुत सारा फल है लेकिन छोटे छोटे है सब, ये सब दशहरी आम है लेकिन बहुत छोटा छोटा फल है। इसका मार्केट में इतना डिमांड नहीं रहता है जितना रहना चाहिए क्वालिटी के हिसाब से, इतना डिमांड नहीं रहता है। उसका भी कलर आना चालू हो गया है यानी ये भी 15-20 दिन में पकने के लिए रेडी हो जाएगा। और ये बगल में दूसरे का खेत है, उसमें है छोटे छोटे आम के पेड़, ये लगभग होने वाला होगा 1-2 साल के पेड़ है। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके आम को देख के, इतना ज़्यादा फरा हुआ है, बिल्कुल रहता है, इतना मेहनत करने के बाद ये मिलता है, मार्केट में जाता है, मार्केट में देता है तो थोड़ा आमदनी भी हो जाता है, बहुत अच्छा है। ये सब दशहरी है यहाँ पे सब, ये भी दशहरी है, इसमें दशहरी और केसर का दोनों मिक्स है एक ही पेड़ में, ये केसर है, ये इधर साइड दशहरी है
ये इधर नीचे भी देखो कितना सारा फला हुआ है, बहुत अच्छा लगता है देख के। वीडियो की क्वालिटी पता नहीं कैसे आ रहा है, धूप ज़्यादा है इसलिए। खेत में आया हूँ दोपहर का टाइम है इसलिए बहुत धूप है। इधर अभी मोर भी था, वो भाग गया उधर, मेरे को देख के इधर भाग गया। अच्छा लगता है लंगड़ा आम खाने में, बहुत अच्छा लगता है, मस्त लगता है। बहुत सारा आम है, बहुत सारा चल अच्छा आया हुआ है आम। और जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे इसका फ्लावरिंग ज़्यादा होता जाएगा तो आम भी अच्छा बैठेगा और अच्छा लगता है। आम अच्छा बैठेगा तो आमदनी बढ़ेगी, लेकिन एक साल में एक बार होता है ये भी है, जगह रोकी हुई रहती है। और दोस्तों ये है उसका आम का नाम मालगुबा है, ये जो लगा हुआ है यहाँ पे दूर दूर छोटा छोटा दिख रहा है। ये खाने में इतना टेस्ट लगता है कच्चे में, ये जैसे नारियल की तरह लगता है। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं घर की ओर और मिलते हैं घर पे जाके, थोड़ा देखते हैं। इधर बहुत गर्मी लग रहा है और खेत में भी पानी इधर उधर घूम रहा है तो पूरा उमस जैसा फेंक रहा है, उमस बोले तो मॉइस्चर ज़्यादा है। और हवा नहीं, इतना मस्त पेड़ के छांव के नीचे ऊपर पेड़ों देखो कितना मस्त पेड़ है, ये भी इतना गर्मी लग रहा है यहाँ पर, बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ मेरे घर पे और आ गया हूँ, और यहाँ पे मेरी माँ ने फ्लावर्स के साथ साथ किचन गार्डन भी पीछे भी दिख रहा है, किचन गार्डन और फ्लावर्स दोनों साथ में है। और यहाँ पे भी आगे में घर के आगे में लगाया है, इसको साइकस बोलते हैं, और मिर्ची का पौधा है, नींबू का पेड़ है, ओ क्यूट सा बटरफ्लाई देखो कैसे, इतना अच्छा लग रहा है। और यहाँ बैंगन है, गुलाब के फूल है छोटे छोटे, इधर भी साइकस है, इधर गुलाब के फूल, ये बड़े गुलाब के फूल है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। दोस्तों आज का वीडियो का एंड यहीं करते हैं, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन का बटन दबाए ऑल पे, ताकि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।